बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग फ्रेंड? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ जीनत इकबाल और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे यहाँ पर तीसरा रोज़ा है, तो मैंने इफ्तारी का सारा सामान रेडी करके रख दिया है, लेकिन मैं अभी जा रही हूँ फ़िलहाल कीमा बनाने के लिए। मैं बनाने जा रही हूँ भुना हुआ कीमा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कीमा बनाने। आप लोग कहीं मत जाइएगा, मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। तो मैंने ये पैन, मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई मैंने चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है और मैंने इसमें तेल डाल चुकी हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये तेल मेरा गर्म हो गया, तो मैं इसमें डालूँगी प्याज। ये मैंने एक बड़े साइज की, फुल साइज की मैंने प्याज ली थी, जिसे मैंने बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिया। इस प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, इसे हमें ट्रांसपेरेंट ही रखना है। तो हेलो फ्रेंड, कैसे गुजर रहे हैं आप सबके रोजे? हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे गर्मी तो बहुत है, लेकिन ये कि अच्छे से गुजर गए हैं। और इंशाल्लाह ताला जो बाकी बचे हैं वो भी अच्छे से ही गुजरेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन ये है कि गर्मी बहुत है, अल्लाह ताला सब पर रहम करे अपना। तो देखिए हमारी प्याज अगर हल्के हल्के होने पर आ गई, ये हमें डार्क ब्राउन नहीं करना। ये कीमा बहुत ही मज़ेदार बनता है। मैं भी थोड़ा सा कीमा बनाऊँगी, तो ये कि हमारा भी रात में हो जाएगा, तो थोड़ा मैं अब रख दूंगी था कि ये कि हमारा सहरी में हो जाएगा। कल मैं इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी लेकर आऊँगी। कल मैं बनाऊँगी चिकन टिक्का बिरयानी, तो वो भी वीडियो मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँगी, आप लोग देखिएगा। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मुझे सब्सक्राइबर कहीं से भी नहीं मिल रहे, तो आप लोगों से यही इल्तिजा है कि आप लोग मेरी वीडियो देखें, मुझे लाइक और शेयर कीजिए और मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये देखिए हमारी प्याज हो गई है ट्रांसपेरेंट। अब मैं इसमें डालूंगी ये लहसुन अदरक का पेस्ट। और ये मैंने बारीक बारीक टमाटर, एक टमाटर लिया था मैंने बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिया, ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। और मुझे से जब तक भुनना है जब तक टमाटर और प्याज यकजान ना हो जाए। तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप मैंने पहले सबसे पहले मैंने ऑयल डाला, मैंने प्याज डाली। जब प्याज मेरी हल्की थी ये ट्रांसपेरेंट हो गई, तो मैंने लहसुन डाला और टमाटर डाला। अब ये देख आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मैश हो चुके हैं। अब मैं डालूंगी कीमा। ये मैंने कम से कम 1.5 पाव के करीब मैंने कीमा लिया है। ये कीमा भी इसी में जाएगा, इसे मैंने धो लिया था अच्छे तरीके से। आँच पे मैं थोड़ा मीडियम करूंगी, ना बहुत ज़्यादा फुल ना बहुत ज़्यादा सिलो। इसमें मैं ना तो हरी मैं पीसी हुई मिर्ची डालूंगी, ना मैं कोई और क्या कहते हैं सवा धनिया वगैरह डालूंगी। ये खड़े मसाले का कीमा बनता है, इससे हल्की सेक फिर हल्दी जाएगी और सारे गर्म मसाला जाएगा, कुटा हुआ धनिया जीरा ये सब काली मिर्ची वगैरह कुटी हुई ये सब जाएंगी। ये मैंने एक छोटी प्याली दही लिया जिसको मैंने फेंट लिया था, अब ये दही भी इसी में ही मैं डालूंगी।
ये मशीन का कीमा होता है, तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मैंने अभी दही डाला है, तो ये दही का अपना पानी होगा, कीमे का अपना पानी होगा, तो ये भी नहीं गल जाएगा। तो मैंने इसमें दही डाल दिया है, जब तक दही अपना पानी छोड़ेगा और जब तक ऑयल ऊपर नहीं आ जाता, तो हम इसको अभी हल्की आँच के ऊपर रख देते हैं। तो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, जब तक इसका ऑयल ऊपर आ जाए, फिर बताती हूँ इसमें क्या क्या डलेगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने दही डाला था कीमे में, तो ये दही अपना पानी इसका खुशक हो गया और ये तेल ऊपर आने लग गया है, क्योंकि जब हम कीमा डालते हैं तो कीमे का जो अपना पानी जो छोड़ता है उसमें बहुत ठीक होती है, तो ये क्या कीमे ने अपना पानी दही ने भी छोड़ा था, वो खुशक हो गया, और ये देख सकते हैं आप ऑयल ऊपर आ गया है। तो अब ये डाल देंगे, ये मैंने कम से कम 6 अदर मैंने ये साबुत मिर्चें ली हैं, मिर्चोले ये इसमें जाएंगे। आप चाहें तो से थोड़ा सा बीच में से तोड़ तोड़ के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने साबुत डाली है। और कुछ मैंने ये मसाले लिए हैं, जैसे तो मैंने आधी चम्मच मैंने हल्दी ली है, 1 चम्मच मैंने हल्दीदार का मैंने नमक लिया है, कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ काली मिर्च, कुटा हुआ जीरा, और कुछ ये साबुत गरम मसाला है जिसमें 2 दालचीनी है, 6 से 7 लौंगे हैं, और ये सिनेमन स्टिक के टुकड़े ये जाएंगे इसमें। कुछ मैंने मसाला जो काट के रखे हैं, हरी मिर्चें, अदरक, धनिया, पुदीना, ये मैं भी नहीं डालूंगी, फिर मैं थोड़ी सी अदरक डालूंगी इसमें और बाकी मैं बाद में डालूंगी। थोड़ी सी हरी मिर्चें भी डाल देती हूँ। मैं थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी, आप देख सकते हैं मैंने 1 कप में पानी लिया है, पूरा कप नहीं डालूंगी मैं, आधा कप डालूंगी, ताकि जो हमारे मसाले जाते हैं उसका जो टेस्ट है वो कीमे के अंदर आ जाए, तो कीमा भी हमारा थोड़ा गल जाए। ऐसा तो आधा डन हो चुका है, ये पानी कुछ जैसे ही होगा तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हल्की आँच पे मैं इसको रख देती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे 6 से 7 मिनट के बाद। तो प्यारे प्यारे मेरे दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं हमारे कीमा गल चुका है और ऑयल जो था वो सब ऊपर आने लगा है, पानी खुशक होने लगा है इसका। तो फिर इसके ऊपर मैं डालूंगी थोड़ा थोड़ा पिसा हुआ गरम मसाला, ज़्यादा नहीं, मैं पिसा हुआ गरम मसाला कम ही डालती हूँ, इसको हल्का सा भूनूंगी, तो मैं इतने सारे जो मैंने अपने हरा मसाला काटा है वो सब इसमें ऐड कर लूंगी। इसमें मैंने ये हरी मिर्चें, ये अदरक, धनिया, थोड़ा सा पुदीना, पुदीना मैं कम ही डालूंगी, हरे मसाले, और ये आधा मैंने नींबू काटा है, नींबू आपको कैसे दिखाऊं, ये मैंने नींबू लिया है आधा, ये मैं इसमें साथ में डालूंगी, अगर ये ऑप्शनल है आप डालना चाहें तो डालें, लेकिन ये इसका जायका जो है वो तो बहुत ही अच्छा आएगा। ये सब डाल के मैं इसको कम से कम 2 से 4 मिनट के लिए मैं दम पे छोड़ दूंगी।
बिल्कुल मैं हल्की आंच के ऊपर मैं कदम पे छोड़ दूंगी। 2 से 4 मिनट ये दम अच्छे पे लगाऊंगी ताकि ये जो अपना हरा धनिया है, हरी मिर्चें, पुदीना, अदरक और ये सब मैंने जो डाले हैं, इसका जो इसका अपना जायका है, ये सब खीरे के अंदर एडजस्ट हो जाए। तो मिलती हूँ 2 से 4 मिनट के बाद, फिर इसका फाइनल लुक मैं दिखाऊंगी और सर्व करके भी दिखाऊंगी आपको। तो हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक ये बन के तैयार हो चुका है। मैंने हल्की आँच पे चूल्हा खोला हुआ है, ये बन के रेडी हो चुका है। देख सकते हैं आप कितना अच्छा लग रहा है इसका लुक, ये खाने में इतने ही मज़ेदार होगा। इसे हम तंदूर की रोटी के साथ सर्व करेंगे और शहरी में हम इसको पराठों के साथ करेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कल मैं फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ, तो आप अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अभी ज़्यादा चाहूँगी, अल्लाह हाफिज़।